डॉक्यूमेंट्स में हम लोग अगर बात करें तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज जो हमने पहले भी डिस्कस करी थी कि जब हम बाकी चीजें अभी तक बना रहे थे तो वो एज ए इमेज या वीडियो हम लोग डाउनलोड कर रहे थे। डॉक्यूमेंट एक ऐसा है जिसमें फ्री पेज साइज आपको मिलेगा। यहाँ पर आपको फिर जब प्रिंट करना है तो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो बाद में कि A4 पे करना है या A3 पे करना है, और जो भी करना होगा आपने ये चीज जैसे डिजाइन करी है वो ऑटोमेटिक उस डिजाइन को दूसरे डिजाइन में कन्वर्ट कर देता है। क्योंकि लाइक A4 साइज की बात करो तो उसकी विड्थ साइज A3 की विड्थ साइज से कम होती है। तो अगर आपने कंटेनर अभी A3 के अकॉर्डिंग बनाया है और बाद में आपको प्रिंट करने में A4 चाहिए तो ऑटोमेटिक आपकी विड्थ कम हो जाएगी, तो वो कंटेन आपका थोड़ा सा नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा, तो डिजाइन ऑटोमेटिक यहाँ पे चेंज हो जाती है। ठीक है, ओके तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पर यही है कि हमें डिजाइन बनाते समय इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि पेज साइज आप कैसा लेकर और कैसा बना रहे हो वो अपने हिसाब से एक बार डिसाइड कर लेना। तो क्रिएट यहाँ पे ब्लैंक रहेगा और यहाँ पे कोई एक साइजिंग नहीं है, A4 A3 पेज वाला साइजिंग नहीं मिलेगा। यहाँ आपको जितना डॉक्यूमेंट टाइप करना है आप पूरा पूरा टाइप कर सकते हो। टेबल वगैरह जो चीजें हमने इंसर्ट करना सीखी थी वो पूरी आप यहाँ यूज करोगे। डॉक्यूमेंट्स है लाइक हम लोग रिपोर्ट्स वगैरह बना रहे हैं या जो असाइनमेंट्स हम लोग स्कूल कॉलेज में सबमिट करते हैं वो बना रहे, तो हमें वहां पर टेक्स्ट पैराग्राफ ग्राफ सब तरह की चीजें लगती है। तो आप उसमें से जो भी चीजें यूज करना चाहते हो आप यहाँ पर बना सकते हो एक ही पेज में। बट यहाँ दिखेगा एक सिंगल पेज, बट जब आप उसको प्रिंट करने जाओगे तो जैसे आपने हमने बोला A4 साइज लोगे तो 8x11 का उसका पेज साइज होता है, तो जितना कंटेंट 8x11 में आना चाहिए वो उतना ले लेगा एंड देन बाकी का नेक्स्ट पेज पे ऑटोमेटिक क्रिएट करेगा। तो ये जब आप प्रिंट करवाओगे तो या तो डायरेक्ट आप प्रिंट करवा लोगे इसको, या फिर आपको अगर डाउनलोड करना है तो एज अ PDF आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। ध्यान से देखना, हम लोग हमेशा जब डाउनलोड करते हैं तो सिर्फ फाइल टाइप देता है और वो पेज नंबर पूछता है कि आपको पूरे सारे पेज चाहिए या 1 2 3 पेज चाहिए, जितने हमने स्क्रीन बनाई है वो स्क्रीन के नंबर्स दिखाता है। बट यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे फाइल टाइप और साइज पूछ रहा है। तो ये जो पेज साइज है A4 A3 लेटर साइज और लीगल साइज, इन साइज के अकॉर्डिंग वो पूरे पेजेस को डाउनलोड करेगा एज अ PDF, या आपको प्रिंट करना है तो डाउनलोड की जगह आप डायरेक्ट प्रिंट ऑप्शन यूज कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है? डॉक्यूमेंट्स जैसा भी आपको बनाना है नो, जैसे हम लोग डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, आई थिंक मुझे शिवानी ज्यादा डिटेल। हाँ बोलो जी, वो बोलो। जब हम डाउनलोड करते हैं तो हमने बहुत सारा टेक्स्ट लिखा और हमने डाउनलोड किया, तो वो जब 2 पेज में दिखाएगा कि कितना आइटम 1 पेज में आया है, कितना आइटम 2 पेज में आया है, तो वो शो करता है मतलब हाँ करता है, मैं एक मतलब मिनट को आपको करके बताती हूँ, एक मिनट रुकना। हाँ ठीक सपोज करो मैंने यहाँ पे कंटेन ये लिखा, ठीक है, एंड ऑब्वियसली फंट साइज फंट कलर जैसे हम लोग चेंज करते थे आप पूरा कर सकते हो। टेक्स्ट में अलाइनमेंट्स है वो सारी चीजें आपको यहाँ पे अवेलेबल है। देन इसके बाद प्लस के साइन पर हमने क्लिक किया एंड एलिमेंट्स पर अगर आपको टेबल वगैरह जो भी चाहिए हम वो ले लेंगे, क्योंकि सारी चीजें मैंने जैसे अभी साइजिंग चेंज होती है बताया, दैट्स व्हाई मैं आपको सारी चीजें यहाँ पे लगा के बता रही हूँ एक बार। ठीक है, यस एडिट लाइन क्या आ रही है ना, धीरे धीरे सब लाइन क्या आवाज नहीं दी, सब सब कुछ लाइन पे आ जाएगा। तो बोल ही नहीं रही। मैं पूछो इसके सामने उन्हें क्या बोले, आपको जो करना हो करो, मैं सुन।
ठीक है, एंटर करके नीचे एक और मैंने प्लस पे एलिमेंट्स पे गए और एक ग्राफिक्स ऐड करें, चार्ट्स हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन, या ग्राफिक आप डायरेक्ट उधर से, ग्राफ्स हम लोगों को एक ऑप्शन और बनाने का है वहां से भी ले सकते हैं, जैसा भी है ये वैसे चीज ले रही हूँ मैं, इसमें चेंजेस नहीं कर रही हूँ। इस तरीके से हमें जो चीजें चाहिए हम पूरी ले लेंगे, एंड देन डाउनलोड के ऊपर गए, एंड देन अगेन डाउनलोड पीडीएफ A4 साइज मैंने लिया एंड डाउनलोड पे क्लिक किया। थोड़ा सा टाइम लेगा, एक बन के तैयार होएंगी, दोनों को मैं आपको रन करके दिखाऊंगी क्या डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो 2 मिनट, डाउनलोड एंड A4 साइज, A3 साइज, लीगल लेटर, पीडीएफ। देखो फर्स्ट A4 साइज में जो हमने ली थी वो वाली दिखा रहा है ये यहाँ पर, जी एक पेज जो बना है उसमें ऊपर के 3 पॉइंट्स क्या वाला है, फिर सेकेंड पेज टू लर्न तक, देन जो टेबल है वो, एंड देन ओनली ग्राफ। ये हमारी फर्स्ट वाला जो था A3 में वो आया, नाउ A4 वाला चेक करते हैं, उल्टा करता हूँ। A3 वाले पेज के ऊपर पूरे 7ों पॉइंट और टू लर्न वो एक ही पेज पे आ गया, एंड देन टेबल और ग्राफिक एक ही पेज में आ गया, 2 पेज में ही खत्म हो गया, तो ऑटोमेटिक ये साइजिंग चेंज हो गई। क्लियर है? सेम यस एज इट इज लीगल और लेटर भी एक बार देख लेते हैं। लेटर और लीगल का विड्थ जो होता है वो ज्यादा होता है, हाइट कम होता है, तो अगेन यहाँ पर भी आपका पॉइंट्स एक में एक आए, टोटल 4 पेज बने। अगेन यहाँ पे 3 की जगह 4, ये लीगल पेज वाला है। देन टेबल भी उसी में आ गई क्योंकि ऊपर एक पॉइंट ऊपर चला गया और नीचे हमारे पास हाइट ज्यादा थी तो टेबल के लिए जगह बच गई, तो ये टोटल 3 पेज में कन्वर्ट हुआ। इसी तरीके से आप जो डॉक्यूमेंट्स बनाओगे वो डॉक्यूमेंट एक ही लिखाएगा, बट आप अपने पेज साइज ऑटोमेटिक अपने हिसाब से जो सिलेक्ट करना चाहते हो प्रिंट करने के लिए वो सिलेक्ट कर सकते हो। बाकी डिजाइन से जैसे हमने एलिमेंट्स पहले भी देखे हैं कि हम लेबल्स यूज कर सकते हैं, ग्राफिक्स यूज कर सकते हैं, जो भी हमें डॉक्यूमेंट को अट्रैक्टिव बनाने के लिए यूज करना है वो सारी चीजें आप यहाँ पे कर सकते हो। इमेजेस, वीडियोस, ऑब्वियसली डॉक्यूमेंट है प्रिंट निकालने वाले तो वीडियो ज्यादा अच्छे नहीं लगेंगे, पीडीएफ में भी वीडियो रन प्रॉपर होते नहीं है तो वीडियो यूज नहीं करेंगे हम। बाकी सारी चीजें जो भी आपको करना है जैसा हमने अभी तक सीखा है वो सारी चीजें एलिमेंट्स आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। ठीक है, उसमें वीडियो नहीं हो सकता है ना, वीडियो तो हमारा वीडियो फाइल उसमें होता है। हाँ वो वीडियो फॉर्मेट में नहीं होता है ना पीडीएफ, हाँ यस दैट्स व्हाई ऑडियो वीडियो वाली चीज हमारी छोड़कर हमें रिपोर्ट बनाना है, एनालिसिस रिपोर्ट बनाना है, या आगे ये फूड इन्वेंटरी टाइप की भी चीजें आपको दिख रही है, ऑफर लेटर्स हाँ होते हैं, लेटर पैड्स होते हैं, वो सारी चीजें आप यहाँ पे बना सकते हो। ठीक है, और तो एनिमेशन वगैरह भी नहीं कर सकते। हाँ ऑब्वियसली एनिमेशन क्योंकि डॉक फॉर्मेट में नहीं होता है एक्चुअली, दैट्स व्हाई। हाँ ओके एक वो कर सकते हैं, वो मैं बताना भूल गई, बताती हूँ। अगर आप अपने बिजनेस का प्रोफाइल बना रहे हो या फिर जो हमारा विजिटिंग कार्ड हम लोग बना रहे थे वो विजिटिंग कार्ड अगर आप पीडीएफ में दे रहे हो ना, तो जहाँ पे आपने ईमेल आईडी दी थी मैं आपको बताना भूल गई, वहां पर ईमेल आईडी को जैसे आपने ये सिलेक्ट किया, यहाँ पे ऐड लिंक का एक ऑप्शन होता है, ये जो लिंक का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे बना हुआ,
ठीक है, वो दो लिंक वाला एक ऑप्शन होता है, देखो यहाँ पे लास्ट कॉर्नर के पास में एक ऑप्शन दिख रहा होगा, दो पिन टाइप का दिख रहा है कीबोर्ड के ऊपर। कीबोर्ड के ऊपर दो पिन। लास्ट में जहाँ क्रॉस बना हुआ है कीबोर्ड के ऊपर, एक क्रॉस बना हुआ आ रहा है। नहीं दिख रहे हैं। प्लस का साइन दिख रहा है, एक पर्पल कलर का प्लस का साइन कीबोर्ड के ऊपर। नंबर्स जो लिखे हुए 1 2 3 4 5 पूरी दिख कीबोर्ड रहा पे, है शिवानी जी, दोनों दिख रहा है, उसके लिंक ऊपर का एक भी प्लस। पर्पल, हाँ पर्पल कलर का जो प्लस वाला साइन है उसी रो में लास्ट में देखोगे तो क्रॉस के पहले आपको दो पिन वाला वो वाला साइन दिखेगा, यू पिन हाँ टाइप का हाँ जो हाँ होता है, दिख गया। ठीक है वो लिंक का है, वो जो है साइन वो ओके लिंक ओके का साइन है। उसके ऊपर क्लिक करोगे ओके तो यहाँ पे एक एंटर अ लिंक और सर्च लिखा हुआ है, यहाँ पर आप अपनी वेबसाइट का या ईमेल एड्रेस का या फोन नंबर का आप लिंक दे सकते हो। व्हाट्सएप पे भी हमारी एक पर्सनल लिंक बन के आती है, अगर याद हो तो मैंने पहले भी एक बार भेजी थी लिंक, नहीं होगा तो मैं एक बार और आपको लिंक भेज दूंगी कि किस तरीके से आपके पर्सनल व्हाट्सएप की लिंक बना के दी जाती है। तो आप यहाँ पर वो लिंक भेज सकते हो और डिस्प्ले मोड यहाँ पर लिंक ही रहेगा, तो जो पीडीएफ है उस पीडीएफ पे भी कोई क्लिक करता है तो उसके ऊपर उस लिंक पे क्लिक करके आपको कॉल करना है या व्हाट्सएप अकाउंट पे जो आपका चैट बॉक्स होता है उसे पर्सनल कांटेक्ट कर सकता है, या आपने वेबसाइट की लिंक दी है तो वेबसाइट कर सकता है, या ईमेल एड्रेस दिया है तो वो ईमेल कर सकता है आपको। ठीक है, यस तो इसमें पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा लिंक ऐड करने के लिए? ओके जिस टेक्स्ट के ऊपर जैसे हमने ईमेल एड्रेस लिया है तो उस ईमेल एड्रेस को पहले सिलेक्ट कर लेना, जैसे ये सिलेक्ट करा हुआ दिख रहा है, हाँ ऐसा सिलेक्ट करना। और सिलेक्ट करने के बाद ये ऑप्शंस आते हैं नीचे, प्लस वाले साइन बना हुआ है वहां पर, तो हाँ उसमें जो हाँ सबसे लास्ट वाला ऑप्शन है उस पर लिंक का ऑप्शन सिलेक्ट करना है। ओके ठीक है, फिर यहाँ पर आप लिंक ऐड कर देना, एंटर लिंक लिखा हुआ है वहां पर एंटर कर देना लिंक और क्लोज कर देना, ले लेगा वो। ओके ठीक है, ये ठीक है। एक इम्पोर्टेंट था, बाकी जो भी चीज आप बना रहे हो उसके अकॉर्डिंग रहेगा। एंड सेकेंड चीज, डॉक्यूमेंट्स जब हम बिजनेस पर्पस के लिए बना रहे होते हैं तो एक टाइप होता है जो काफी यूज में आता है, क्लाइंट्स मांगते हैं और बहुत सी बार आप नहीं पहचान पाते हो, वो है लेटर हेड। लेटर हेड का मीनिंग क्या होता है, एक ऐसा पेज जिसमें कुछ बॉर्डर या एक लेआउट बना हुआ रहता है, हेडर फुटर एंड साइड में कुछ नेविगेशन टाइप में बना हुआ होता है और बीच में काफी जगह खाली छुटी हुई होती है, वो लेटर हेड कहलाता है। ठीक है, जैसे हम लोग ऑफर लेटर बना रहे हैं तो ऑफर लेटर में ऊपर कंपनी का लोगो लगा होता है, नीचे कॉन्टेक्ट डिटेल्स दी होती है, क्लाइंट जो भी हमारे सिग्नेचर जो भी हायरिंग करता है उस एम्प्लॉयर के सिग्नेचर का प्लेस दिया होता है, ऐसे एक चीज बनी हुई होती है कि आपको वो कंपलसरी बना हुआ हमेशा मिलेगा, बट हर बार उसके अंदर का मटेरियल चेंज हो सकता है क्योंकि लेटर हेड जो होते हैं वो कंपनी के किसी के भी, उस लेटर हेड में ऑफर एम्प्लॉयज के लिए भी हो सकता है या क्लाइंट्स के लिए कुछ प्रोजेक्ट ऑफर्स भी हो सकते हैं, किसी भी तरीके का कंटेंट उस लेटर के ऊपर प्रिंट हो सकता है, इनवॉइसेस हो सकते हैं, कोटेशन हो सकते हैं, डिफरेंट चीजें हो सकती है, बट वो जो लेटर हेड होता है वो अथॉरिटी होती है कि इस कंपनी के द्वारा ही ये रिलीज किया गया है। लेटर हेड का एक फिक्स्ड डिजाइन होता है, वो डिजाइन कोई और कंपनी उसको कॉपी पेस्ट नहीं कर सकती है। ठीक है, तो ओके लेटर हेड बनाना का एक काम हो सकता है, मैं आपको उसका भेज दूंगी यहाँ पे, या डायरेक्ट एक बार सर्च करके देख लेते हैं लेटर हेड। ठीक है, इस तरीके से आप ओके ब्लैंक छूटे हुए ऊपर के जो दो दिख रहे हैं उसमें ऊपर लोगो और नीचे कॉन्टेक्ट डिटेल लिखी हुई है, स्टार्टिंग दो में ऐसा है, फिर तीसरे में लेटर हेड के साथ में कंटेंट भी दे रखा है, ऊपर लोगो डिजाइन एंड नीचे कॉन्टेक्ट डिटेल्स है एंड बीच में किसी तरीके का एक लेटर प्रिंट कर रखा है उन्होंने, इस तरीके से यहाँ पे कुछ सैंपल्स दे रखे हैं, तो बीच का कंटेंट कैन बी चेंज, जो भी आपको मेटल देना है आप वो मेटल दे सकते हो, जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ क्लाइंट से या एम्प्लॉयज से ही बात करें, किसी भी तरीके का कंटेंट हो सकता है,
हेडिंग एंड फुटर आप अपने हिसाब से उसमें डिजाइन करोगे। किसी में देखोगे तो अच्छे से बॉर्डर के साथ में है, किसी में केवल माइनस सी लाइंस बनी हुई है, या सिर्फ लोगो लगा हुआ है, सब में अलग अलग डिजाइन है। ठीक है, यस कुछ लेटर हेड मैक्सिमम जो होते हैं वो ऐसे व्हाइट पर ही होते हैं, बट कुछ यहाँ पर आप ये जो ग्रीनिटी वाला देख रहे हो प्रो में बना हुआ है, वैसे भी डिजाइनर भी होते हैं, बट ऑफिशियली जहाँ पर इस तरह की चीजें होती है जैसे इवेंट प्लानर्स का है, फैशन डिजाइनर का है, उनमें इस तरीके के यूज में होते हैं। वह एक्चुअली क्या होता है, ये वाले जब ऐसे डिजाइन होते हैं ना तो ये बहुत कॉस्टली होते हैं, और ये सिंपल पेपर पे डिजाइन नहीं होते, ये लेटर हेड बनते हैं महंगे। दैट्स वाई हम नॉर्मल जो क्लाइंट्स को बना के देते हैं वो व्हाइट A4 साइज पेपर पे बना के देते हैं। ठीक है, यस बाकी अगर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है तो हम इस तरीके से डिजाइन भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक लेटर हेड है, इसके सिवा इन्वॉइसेस हैं। इन्वॉइसेस मीन्स बिल बनाना होता है, जहां पर आपको हेडर जैसे अभी हमने बनाया या हेडर फुटर, वैसा ही आपका हेडर फुटर बनता है, बट बीच में आपकी डेट एंड टाइम आता है, आइटम्स में आप जो भी कैटेगरी वगैरह बताना चाहते हो वो बता के, जो बिलिंग का जैसा भी आपका रहता है कि क्वांटिटी आएगी, क्वालिटी आएगी, या आपको उसमें और भी कुछ चीजें आपके फीचर्स ऐड करवाने, आप उसमें ऐड करवा सकते हो, दैट्स अप टू यू। ठीक है, ओके बाकी प्रोजेक्ट्स रिपोर्ट वगैरह तो आप अपने हिसाब से जो भी असाइनमेंट्स का टॉपिक होता है या जिस भी तरह की रिपोर्ट होती है उसके अकॉर्डिंग आपको बनाना है, उसमें कोई रूल्स नहीं रहते हैं। मैगजीन्स डॉक्यूमेंट्स जो भी आपको क्रिएट करना है आप यहाँ से भी कर सकते हो, और मैगजीन का एक अलग से ऑप्शन भी दे रखे हैं इन्होंने, मैगजीन रिपोर्ट इस तरीके के अलग अलग दे रखे हैं। दोनों में डिफरेंस ये है कि अगर यहाँ डॉक्यूमेंट से करते हो तो जैसे मैंने अभी पेज साइजिंग वाली चीज बताई वो आएगी, बट अगर आप यहाँ से ये रिपोर्ट और मैगजीन नहीं लेते हो तो यहाँ पे जो मैगजीन एंड रिपोर्ट दिया है इसमें अलग अलग स्क्रीन दी हुई रहेगी, मतलब यहाँ पे मैगजीन एंड रिपोर्ट का फिक्स्ड साइज A4 साइज दे रखा है। ठीक है,